हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विनीता और आज हमारी रसोई में बन रहा है स्टीम वाले पोहे, जो बहुत ही कम तेल में बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। फ्रेंड, अगर सुबह बनाओगे तो ये शाम तक ऐसे ही सॉफ्ट और खिले खिले रहते हैं। ठेले वाले भी अधिकतर ऐसे ही पोहे बनाते हैं। तो चलिए, 2 कटोरी हमने पोहे लिए हैं, इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे पानी डाल के। आप छन्नी में भी ये काम कर सकते हो। तो फ्रेंड, 2-3 बार अच्छी तरीके से वॉश जरूर करें, क्योंकि पोहों में धूल मिट्टी रहती है, तो वॉश करने से पोहे अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। 10 मिनट मैंने भिगो के रखा था अपने पोहे को, मतलब छानने के बाद ढक के रख दिया था। देखिए फ्रेंड, हमारे पोहे कितने अच्छे पानी को सोख लिया है पोहों ने, और बहुत ही अच्छा फूल के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड, बड़ी सी प्लेट में हमने पलट लिया है। आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधी चम्मच ही नमक डाल देंगे और आधी चम्मच ही चीनी डाल देंगे। आप अपने पोहे के अनुसार ही ये सारे मसाले डालें अपने पोहे में। अगर ज़्यादा पोहा है तो आप क्वांटिटी नमक और हल्दी और चीनी की ज़्यादा कर सकते हो। आधा नींबू निचोड़ के अच्छी तरीके से अपने पोहों में हल्दी को मिक्स कर लेंगे। अभी फ्रेंड, हमारे पोहे का कलर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फ्रेंड जब स्टीम हो जाएंगे हमारे पोहे तो इनका कलर बहुत ही खिला खिला हो जाएगा। आप ही देखना, आप मैं दिखाती हूँ आपको पका के। तो फ्रेंड, छन्नी में भी आप अपने पोहों को स्टीम कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है। 5 मिनट में ही पोहे हमारे, देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया भाप निकल रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। इन्हें हम ढक के रख देंगे, ये बहुत देर तक गर्म रहेंगे, जब तक इसका पानी गर्म रहेगा तब तक हम अपने मसाले तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच तेल में मूंगफली को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली हो तो आप उस मूंगफली का इस्तेमाल कर लीजिए। 1/2 चम्मच राई के दाने तेल में डाल देंगे। राई के दाने चटक जाएंगे तो 2 लाल मिर्ची डाल देंगे खड़ी हुई। और फिर मैंने ये वेजिटेबल लिया है, जिसमें मटर पनीर और प्याज टमाटर हरी मिर्च मैंने लिया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड, प्याज को हमने डाल दिया है पकने के लिए, हरी मिर्चें भी हम डाल देंगे। फ्रेंड, मिर्ची अपने हिसाब से डालें आप। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट में हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। उसमें हमने एक छोटा टमाटर काट के लिया था, उसे भी हम डाल के भून लेंगे। टमाटर गल जाए इसके लिए हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। फ्रेंड, याद रहे कि हमने पोहों में पहले भी नमक मिला के पकाया है स्टीम में, तो फ्रेंड थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। इसे अच्छी तरीके से भून के मटर और पनीर या जो भी वेजिटेबल आपके पास है उसे भी मिला के अच्छी तरीके से 5 मिनट ढक के पका लेंगे। हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। फ्रोजन मटर ली थी मैंने, फ्रोजन मटर बहुत जल्दी पक के तैयार जाती है। एक बड़े से बाउल में अपने पोहों को हम पलट लेंगे। उसके बाद जो भी हमने मटर पनीर वगैरह सब्जियां भून के रखी हैं उन्हें हम मिला देंगे अपने पोहों में। फ्रेंड देखिए कितना आसान है ये बनाना। तो फ्रेंड, ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे अच्छी तरीके से मिलाते हुए हमें रख लेना है, और जो हमने मूंगफली के दाने भून के रखे थे उसे भी हम इसमें मिला देंगे। फ्रेंड, अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ऊपर से लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो, और नमक कम अगर हो तो थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं आप। प्याज और हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा पोहा का कलर कितना अच्छा आया है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।